हे गाइस, गुड इवनिंग, वेलकम टू आवर चैनल। तो कल जब मैं आया था तो रास्ते में मेरे को ना हेयर ड्रेसर, तो जिसके पास मैं रेगुलर जाता हूँ, वो तो मिला नहीं। लेकिन रास्ते में एक और हेयर ड्रेसर आया, तो मैंने हल्की सी ट्रिमिंग करवा ली थी, लेकिन हेयर कट तो नहीं करवाया। और जो बच्चे हमारे घर में पहले पहुँच चुके हैं, पता नहीं बच्चों को कैसे पता चल जाता है, थोड़े दिन पहले तो ये आए नहीं है। और पीछे मम्मी को वो वाला जो प्रोडक्ट है बहुत अच्छा लगा, करे ये इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो हमारा स्विमिंग पूल, तो ये पंचर इसका यहाँ पे रख दिया। अभी देखते हैं कितना बड़ा है खोल के। कल ये सारे बच्चे आने के लिए तैयार है, है ना? इसको लेके आया था साइकिल वाली शॉप पे ताकि इसमें हवा भरवा दूँ, क्योंकि अगर पंप से जब मैं अपने मुंह से भरता तो शायद मेरी ही हवा टाइट हो जाती, तो इसलिए मैं इसे यहाँ पे ले आया। तो भैया ने जुगाड़ लगा दिया इसमें, तो अभी ये वाला इसका बेस अभी तैयार हुआ है। मतलब कि इसके अलग अलग पार्ट दिए हुए, ये वाला अलग दिया हुआ है और इसका अलग दिया हुआ और इसका अलग दिया हुआ है। तो इसका हम सर्च कर रहे हैं कि कहाँ से मिल गया। हाँ, ये इस तरफ से मिल गया भैया। जब तक हवा भर रही है उसमें, तो हम थोड़े से खेतों के नज़ारे ले लेते हैं। ये हमारे घर के नज़दीक जो लोगों की खेत है, इतनी सारी जगह जो लोग एग्रीकल्चर के लिए यूज़ करते हैं इसे। हाँ, भर गया यार, बट साइज़ में छोटा लग रहा है, तो थोड़ी सी होर भर होनी है, हजे घट है, ए विच भी भर होनी, बाकी तो सारा ठीक है। हवा इतनी ज़्यादा भर गई इसमें, भैया को मोटर दोबारा चलानी पड़ी अपनी एयर प्रेशर वाली। तुमने देखा, आपका पूल आ गया है। मुझे बहुत अच्छा लगता है, मज़ा आ गया। थोड़ी जीरा सोडा के साथ नीचे नमन विश्व वरुण के बाबा जी सुबह सुबह साइकिल चला। और टाइम हुआ है सुबह का 6:30, और मैंने आजकल थोड़ा जल्दी उठना स्टार्ट कर दिया है ताकि डे को ज़्यादा प्रोडक्टिव बनाऊं। और सोकर करना भी क्या है, ज़्यादा नीचे सोओगे तो आलसी बनोगे। दोनों के पास अपना अपना साइकिल हो गया, नमन के पास बड़ी और उसके पास छोटी, लेकिन क्या करे, वो बड़ी चलाने की कोशिश करता है, ये छोटी चलाने की कोशिश करता है। हेलो, ओ गिर गया। कपड़े उतार के आ गए, सुबह से रहा नहीं जा रहा है इनसे, तो मैंने बोला भाई निक्कर डाल के आओ, इसने तो निक्कर डाली ही नहीं है, ये तो वैसे भी निक्कर नहीं डालता। पानी में ये अगर नहाएगा तो ये बीमार हो सकता है, तो इसकी एंट्री बंद है, लेकिन बाहर से देख सकता है हमें नहाते हुए। सबसे ज़्यादा एक्साइटमेंट तो इन लोगों को है, क्योंकि बहुत ज़्यादा शौक होता है ऐसे। लेकिन मेरे से एक गलती होगी कि मेरे को ना साइज़ बड़ा लेके आना चाहिए था, ये साइज छोटा आ गया, लेकिन इसमें मैं अकेले ही आ सकता हूँ, लेकिन साथ में ये भी आ जाएंगे। जाओ जाओ नहा लो। सारा मूड ऑफ हो गया, मूड मतलब ऐसे अच्छा भी लगा लेकिन ऑफ भी हो गया, इसलिए क्योंकि साइज में छोटा था, मैं अच्छे से इंजॉय नहीं कर पाया। लेकिन नमन ने खूब इंजॉय किया, और अनवित नहीं बैठ पाया इसमें, क्योंकि अनवित को गर्म पानी डाल के बैठाएंगे या दोपहर को बैठाएंगे, तो नमन बाद में वहाँ पे ले गया। इतनी मस्त की नमन और उसके भाई ने, तो उसने फुल पैसा वसूल किया इसका। मैं तो मैं अभी अपने बाथरूम में अच्छे से नहा धो के तैयार हो चुका हूँ, और मेरे को अभी काम जाना है, और अभी ब्रेकफास्ट भी नहीं किया, क्योंकि मैं वहीं पे जाके लंच और ब्रेकफास्ट इकट्ठा करूँगा ब्रंच, क्योंकि अभी लेट हो चुका है, टाइम हो चुका है, 10:10 बजे मुझे पहुँचना। अभी निकल रहा हूँ, लेकिन जाने से पहले मैंने थोड़ा सा जूस ले लिया, खाना तो नहीं खा पाया क्योंकि वो जल्दी से फटाफट पी लिया मैंने, क्योंकि गर्मी आजकल ज़्यादा और मैं चक्कर खाकर कहीं भी गिर जाऊँ, तो इसलिए जाने से पहले हल्का सा कुछ ना कुछ
खा के या पी के जरूर जाएं। अपने फ्रेंड की वेट कर रहा हूँ भैया, आ गया आ गया आ गया, आ जाओ जल्दी आ जाओ, लेट हो चुके हैं। सारा दिन मैं अपने काम पे बिजी रहा और आज थोड़ा लेट आया, तो अभी रूम में बैठा होते एसी लगा के, क्योंकि बाहर गर्मी बहुत ज़्यादा थी और अभी बाहर निकलते हैं। थोड़ी सी भूख लगी हुई है और बाहर तो इतना अंधेरा कर रखा हुआ है, लगता है घर पे कोई नहीं है। हाँ बता रहे थे मम्मी अभी शायद मंदिर गए होंगे, लाइट जला देते पहले शाम की लाइट, लाइट जलाई हुई थी जाने से पहले बंद किया होगा। तो आज क्या बनाया वो खाने में, शायद इसमें कुछ है, सीटी मारता है छेड़ता है, तो भूख लगी हुई है। तो इस वक्त क्या खाना चाहिए देखते हैं, कुछ खाने के लिए मिल जाता है। इसमें है मैंगो। हम आ चुके हैं अपनी शॉप पे, तो शॉप में कुछ दिखाई नहीं दे रहा, शुगर दिखाई दे रही है और जो चने दिखाई दे रहे हैं, और ये है अमृतसरी बढ़िया, तो ये तो नहीं खाई जाएगी, खाया क्या जाएगा। तो ये हमारी ग्रोसरी शॉप है छोटी सी, दिखा देते हैं आपको कुछ इस तरह की है सारी छोटी सी, यहाँ पे हमने कुछ अपने एक्स्ट्रा सामान रखे हुए हैं। तो इस बाल्टी में भी बहुत सामान होता है। ओह क्या बात है, मैक्रोनी ये तो कल खाई, मैगी बड़ी हुई है यार, मैगी है, क्या बात है, बात बन गई यार। अभी खाना बन जाएगा, पेट तो वैसे खाने से ही भरता है, लेकिन हम मैगी बना लेंगे। जब तक खाना नहीं बनता तब तक पेट भरने के लिए ये काफ़ी है, तो एक पैकेट हम मैगी बना लेते हैं। को पानी में डाल दिया है, मसाले भी डाल दिया, अभी दो मिनट में तैयार हो जाएगी। जब तक हमारी मैगी तैयार हो रही है तो हम कुछ ढूंढ लेते हैं रेफ्रिजरेटर में पीने के लिए। हो क्या भाई, सोडा पड़ा हुआ है, ये क्या है, ये तो बच्चों का है, ये रहा जिसकी जरूरत थी। यार मैगी के साथ तो बात बन जाएगी। भाई जो आप सोच रहे हो वो नहीं है, ये है मसाला सोडा। खाना वाना खा के फ्री हो चुके हैं, आजकल गर्मी में खाना नहीं खाया जाता जिसकी वजह से जल्दी भूख लग जाती है, लेकिन थोड़ी थोड़ी भूख लगती है उसको साथ के साथ मैं ऐसे निपटा लेता हूँ, पूछना इधर उधर हाथ उत मार के, तो अभी थोड़ा सही लग रहा है, तो थोड़ी देर तक मम्मी खाना बना देंगे फिर खा लेंगे। और अभी मैं कर रहा हूँ अपना वीडियो एडिट, वो वीडियो मेरा एडिट हो ही गया है, तो इस वीडियो को भी हम यहीं पे एंड करते हैं और मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो कैसा लगा कमेंट लाइक और शेयर करना जरूर, और मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।